ऑब्ज़र्विंग रीडिंग मटीरियल ये स्टूडेंट्स मुझे इस मोड्यूल में आपसे ऑब्जर्विंग रीडिंग मटीरियल के बारे में बात करनी है कि किस तरह टीचर्स को रीडिंग मटीरियल को ऑब्ज़र्व करना चाहिए और उसको टीचिंग से पहले उसमें उनको उसको देखना चाहिए और उसमें मुख्तु करेक्ट्रिस्टिक्स को देखना चाहिए तो ऑब्ज़र्विंग रीडिंग मटीरियल इज़ एन असेंशल आस्पेक्ट ऑफ अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन तो इब्तई जो बचपन की एजुकेशन है रीडिंग मटीरियल उसके लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है बहुत अहम फैक्टर है कंपोनेंट है एज़ इट हेल्प टीचर्स टू डिटर्मिन वैदर अ पर्टिकुलर टेक्सट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर दे स्टूडेंट्स ये नहीं को ये बताता है इससे ऑब्जर्व करने से पता चलता है कि आया जो मटीरियल वो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों के लिए मुनासिब है लेवल ऑफ़ रीडिंग उनकी रीडिंग लेवल के लिए उनकी एबिलिटी के लिहाज से और अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से और कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनको टीचर्स uh, को कंसिडर करना चाहिए इसको ऑब्ज़र्व करते हुए लेवल ऑफ़ डिफ़िकल्टी इसमें सबसे अहम जो पहला कंपोनेंट uh, है वो लेवल ऑफ़ डिफ़िकल्टी है जो मटेरियल है वो उसको देखना कि उनको टीचर्स को असेस करना चाहिए कि वेदर द रीडिंग मटीरियल इज़ अप्रोप्रिएट फॉर देर स्टूडेंट्स रीडिंग लेवल उनकी रीडिंग लेवल के मुताबिक है वो रीडिंग से मुराद याद रखें रीडिंग से मुराद है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग समझ के साथ उसको पढ़ना दे शुड कंसिडर द वैकेबलरी यूज उसमें जो वैकेबलरी यूज़ की गई यानी अल्फाज यूज़ किए गए हैं उनको देखें द लेंथ ऑफ सेंटेंसेज उनके सेंटेंसिस की लेंथ देखें यानी बहुत लंबे सेंटेंसज ना हों मुनासिब सेंटेंसज हों और पैराग्राफ्स को देखें एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ़ द टेक्स्ट और उस टेक्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है प्रिंटिंग और मवाद और उसमें जो एलस्ट्रेशन हैं पिक्चर्स हैं वो कैसी हैं कॉन्टेंट अब दूसरा अहम बात यह है कि कॉन्टेंट कैसा होना चाहिए देखिए किसी भी जो सब्जेक्ट है उसमें कंटेंट का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसमें लर्निंग एक्सपीरियंसेस शामिल हैं टीचर्स शुड एंश्योर दैट कंटेंट ऑफ रीडिंग मटेरियल इज़ एज अप्रोप्रिएट तो पहली बात यह है कि जो कंटेंट या रीडिंग मटेरियल दिया गया है वो बच्चों की एज के मुताबिक हो एंड रेलिवेंट टू देयर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंसिस तो बच्चों की इंटरेस्ट और उनके एक्सपीरियंसिस के मुताबिक अब ये देखिए पिक्चर है आपको इसमें आपको मटेरियल दिया हुआ है जिसमें छोटे चोट छोटे आप समझ लें कि छोटे छोटे चंद सेंटेंसेस के ये मजमून हैं जैसे माय कैट आई हैव अ कैट ठीक है माय कैट इज दैट बॉक्स अच्छा माय कैट लाइक्स टू रन इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जिनको इस तरह माई डॉग है आई हैव अ डॉग तो आप डॉग के मुखलिफ उसके जो उसका कलर बता दें उसके उसकी शेप बता दें उसकी उसके और करेक्टिस्टिक्स बता दें इसी तरह माय रैट रैट है फिर आई कैन तो अपने बारे में आई कैन बी अ कैट फिर वो अपने बारे में सोचते हैं कि मैं भी ये कैट हो सकती हूँ कैट वाली वो चीज़ें करूँ या इस तरह माय हैट एंड माय बैग इस तरह my, मेरा हैट और मेरा बैग ठीक है तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस वाले जो जुमले हैं और जो उस चंद जुमले हैं जो उस इब्तदाई लेवल में उसमें उनको शामिल किए जाते हैं ताकि वो बच्चे उनमें इब्तदाई वो स्किल्स रीडिंग के आ जाएं और उनको वो समझना शुरू कर दें और ये अच्छा कंटेंट हो जो उनके उस एज के लेवल के मुताबिक हो एलस्ट्रेशन एलस्ट्रेशन से मुराद है कि उसमें जो पिक्चर्स हैं आर्ट वर्क है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि द दिलस्ट्रेशन इन द रीडिंग मटीरियल शुड बी एंगेजिंग एंड सपोर्ट द टेक्स तो वो बच्चों को बिज़ी करने वाला हो यानी उसमें एक्टिविटीज़ हों और बच्चों को मसरूफ़ करने वाला हो इंगेज करने वाला हो और वो टेक्स्ट को सपोर्ट करे यानी जो टैक्स दिया गया है उसकी पिक्चर्स उसके मुताबिक तस्वीर हों और दे शुड बी कल्चरली सेंसिटिव एंड डाइवर्स तो वो कल्चर के लिहाज से जिस कल्चर में वो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है उस कल्चर के मुताबिक हों और डाइवर्स हों यानी मुख्त उसमें डाइवर्सिटी हो तनवो हो टैक्सट फीचर्स अब टेक्स्ट के फीचर्स क्या हैं टीचर्स शुड ऑब्जर्व वैदर द रीडिंग मटीरियल इज़ हेल्पफुल टेक्स्ट फीचर्स सच एज क्या है उसकी हेडिंग्स मौजू हैं उसकी सब हेडिंग मुनासिब हैं उसके कैप्शंस ठीक हैं और एंड ग्लाजरीज़ और उसमें जो ग्लाउजरीज़ हैं वर्ड्स मीनिंग की जो एंड पे दी हुई होती हैं चीज़ें उनको ग्लाउजरीज़ कहते हैं या बुक के एंड पर वो सही दी गई हैं टेक्स टाइप फिर एक दूसरा ऑब्जर्विंग रीडिंग मटीरियल का नेक्स्ट जो अच्छा कंपोनेंट है जिसको देखना ज़रूरी है कि टेक्स्ट की टाइप क्या है टीचर शुड कंसिडर्ड अ टाइप टेक्स टच एस फिक्शन चूँकि हम ये लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो इसमें फ़िक्शन से मुराद नावल या ड्रामा इस तरह की चीज़ें हैं नॉन फिक्शन जिसमें आटोबायोग्राफीज़ हो सकते हैं इन शाइया या इस तरह के मालूमती मजामी हो सकते हैं और पोइटरी या शायरी नज्में हो सकती हैं सो एंड हाउ इट इम्पैक्ट दे स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंशन एंड एंगेजमेंट तो ये किस तरह बच्चों की इंगेजमेंट और कॉम्प्रीहेंशन पर असरअंदाज हो हो रहे होते हैं इनको भी देखना ज़रूरी है बी केयरफुली ऑब्जर्विंग रीडिंग मटेरियल तो उन रीडिंग मटेरियल को देखते हुए केयरफुल होना चाहिए टीचर्स कैन इन्श्योर दैट देयर स्टूडेंट्स आर एक्सपोज टू अप्रोप्रिएट एंड एंगेजिंग टेक्स्ट तो उनको अप्रोप्रिएट और मसरूफ़ करने वाला एंगेज करने वाले टेक्स्ट उनको दिया जा रहा है और जो उनके लिटरेसी स्किल्स को सपोर्ट करता हो तो लिटरेसी में याद रखें रीडिंग राइटिंग और मैथमेटिक्स uh, के जो कंपोनेंट्स हैं आजकल रीडिंग इसमें लिटरेसी में कंप्यूटर भी शामिल किया जाता है तो ये थी uh, जो ऑब्जर्विंग रीडिंग मटेरियल जिस पे मैंने आपसे बात की कि बच्चों को पढ़ाने के लिए मटेरियल कौन सा होना चाहिए